गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? प्लांट ये जो फिगर है ये प्लांट सेल। प्लांट सेल। प्लांट सेल। वेरी नाइस। दिस इज प्लांट सेल। आउटर कवर ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल। हाउ मेनी लेयर आर देयर इन प्लांट सेल? टू। हाउ मेनी लेयर? टू लेयर्स इन प्लांट सेल। टू लेयर्स। टू लेयर्स। मैम फर्स्ट इज सेल वॉल एंड सेकंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? न्यूक्लियस। सॉरी वैक्यूल। नेक्स्ट आप बताओगे? ठीक है क्लास, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनेल? एंडोप्लाज्मिक। क्या है इसका नाम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। What are the types of endoplasmic reticulum? Two types. What are these? Two types. तो क्या क्या है? मैम एक सॉफ्ट है। Yes. एक सॉफ्ट है। और एक ब्रेक है। हाँ। ब्रेक है? क्या? रफ है। ठीक है, एक रफ है मींस एसीआर आरईआर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स है। तो सॉफ्ट हम किसको कहते हैं, रफ हम किसको कहते हैं बताओ? जो मैम ये दूर होता है उसको सॉफ्ट कहते हैं, और जो पास पास में होता है ना उसको, न्यूक्लियस के पास में है उसे हम रफ कहते हैं। न्यूक्लियस के पास में जो है उसको हम रफ कहते हैं। क्यों कहते हैं रफ? बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के पास में जो है राइबोसोम्स होते हैं उसमें से। ठीक है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके साथ, और जो दूर दूर है न्यूक्लियस से उसमें से राइबोसोम नहीं होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन आप दोगे कि व्हिच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स अटैच इन व्हिच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिनमें से राइबोसोम अटैच है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनमें राइबोसोम नहीं है वो है स्मूथ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट? मैम क्लोरोप्लास्ट। मैम क्लोरोप्लास्ट। 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 मैम क्लोरोप्लास्ट। 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 ओके मैम, और एक बताइए ये जो ऑर्गेनेल है इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? माइटोकॉन्ड्रिया। 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 माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? कोई बता पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया?
House of power, house of cell. क्या है? Power house of the cell. Very good, Arjun Dubey. Thank you so much. Power house of the cell. ठीक है? Cell. Power house भी कहते हैं. मैम चौंड्रिया के वो भी था. ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया को power house कहते हैं. तो यहाँ पे हम जितने भी देख लिए कि सेल के अंदर ये सब क्या है, ऑर्गेनेल्स है. ठीक है, ऑर्गेनेल्स का नाम सभी को पता है. तो बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट? ये जो सर्कुलर पार्ट है, राइबोसोमस. राइबोसोमस. न्यूक्लियस. और उसके अंदर ये जो है सेंट्रियोल सेल में होते हैं. राइबोसोम. क्रोमोसोम. क्रोमोसोम. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है. ऑर्गेनेल्स का नाम तो सभी को पता चल गया, अपना अच्छा आंसर भी दिया. ठीक है, तो अभी देखेंगे उसका फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शन है. हर एक ऑर्गेनेल्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होती है. ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल. सेल वॉल का फंक्शन क्या है? लाइक गिव सेफ टू द प्लांट सेल, मेक इट रिजिड एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट, रेन, विंड एंड कोल्ड. सेल वॉल बाहर की कवर है. ये क्या करता है? ना प्लांट सेल को बिल्कुल हार्ड करके रखता है, टाइट करके रखता है, प्रोटेक्ट देता है हीट, रेन, विंड, कोल्ड. ये सबसे क्या करता है? ना प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करके बचा के रखता है. ठीक है, जैसे सेल वॉल ऐसे बना हुआ है तो हम देख के बता देते हैं कि ये हेक्सागोनल शेप है. जब रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा तो रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये शेप भी देता है. नेक्स्ट हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन. उसके नीचे वाला लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ना गिव शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट इट एंड अलाउस मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. ये क्या करता है? सब्सटेंस को मूव करने से हेल्प करता है. जो नेसेसरी सब्सटेंसेस है वो अंदर लेगा, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनमें से छोटे छोटे छेद होते हैं. ठीक है, जो छेद हमें खाली आंख में दिखेगा नहीं, बट छेद है वो क्या करता है ना, ऑब्जर्व कर लेता है जो चीज उसको जरूरत है. ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन का काम. नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म आपको पता है जेली लाइक सब्सटेंसेस होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जिनमें से ये ऑर्गेनेल्स सारे हैं, जैसे आपका वैक्यूल्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब ये साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का काम क्या है? ना होल्ड्स द सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लेस. ये सेल ऑर्गेनेल्स को पकड़ के रखता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड इज द साइट ऑफ मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शन. ये क्या करता है? ना मूवमेंट कराने में हेल्प करता है सब्सटेंस को. डेली लाइफ सब्सटेंसेस है ये. ठीक है, मूव हो जाएंगे आसानी से. और क्या है ना, बायोलॉजिकल रिएक्शन में भी हेल्प करता है. जैसे बायोलॉजिकल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका एक्सप्रेशन हो गया, और आपका सर्कुलेशन हो गया. ये सब बायोलॉजिकल रिएक्शन है, तो उनमें से भी ये हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगा, मेन काम ये यही है. ठीक है, न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगा. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियोल्स, राइबोसोम्स. उसके बीच क्या है अंदर में, ये जो चीज है डेंस पार्टिकल, जिसको हम नाम रखे हैं कि हम न्यूक्लियोल्स. इसका काम क्या है? न्यूक्लियोल्स राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो प्रोड्यूस करता है कुछ हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन सिंथेसिस करने में ये हेल्प करता है, राइबोसोम्स का काम है. नेक्स्ट अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया देखो, ये वाला फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है ना, उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में
एटीपी क्या है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होके रहता है, जब जरूरत पड़ता है हम रजिस्टर करते हैं, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के बारे में अभी हम डिस्कस किए थे। ये ईआर का काम क्या है ना, हेल्प इन सिंथेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड फैट को ट्रांसफर करता है और सिंथेसिस भी करता है, बनाता है। ये सिंथेसिस में मिल क्या है फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो गल्गी बॉडीज, गल्गी बॉडीज क्या करता है ना, साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम्स से के सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं उसको। वो क्या करता है ना, जब सेल डैमेज हो जाता है, सपोज ये लाइसोसोम है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना है, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा होता है ये। इसका काम क्या है ना, जब सेल डैमेज हो जाता है खुद को क्या करता है, मार देता है सेल को, ठीक है। ये ब्रश करता है, करने से इसमें से जो भी एंजाइम्स क्रिएट होता है वो सारा पूरा सेल को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। सेल खुद सुसाइड करता है, कब करेगा ना, जब वो डैमेज हो जाएगा। तो करने में कौन हेल्प करता है, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम को किसने फॉर्मेशन करता है, गॉल्गी बॉडीज, ठीक है, साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम। देन हम देखें क्या लाइसोसोम्स का काम, मैंने बताया हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन भी कराता है। दे हेल्प डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज, फॉरेन बॉडीज जितना भी होते हैं बाहर के हार्मफुल होते हैं जो एंट्री कर जाते हैं सेल के अंदर, तो उनको तो डिस्ट्रॉय करता है। रिमूव वॉर्म आउट एंड ओल्ड सेल, जो पुराने सेल हो जाते हैं उनको भी वो रिमूव करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, मार देता है। सेंट्रोसोम्स का काम क्या है ना, हेल्प इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में से हेल्प करता है। न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर रहता है स्टार लाइक स्ट्रक्चर से आते हैं, ठीक, उसको सेंट्रोसोम्स कहते हैं, बट ये एनिमल सेल में से पाए जाते हैं। इसका काम क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आपको पता है सेल डिवाइड होता है, एक से दो बनता है, दो से चार बनता है, चार से आठ बनती है, ऐसे होती है, ठीक है, तो सेल डिवीजन में से ये हेल्प करता है। वैक्यूल्स का काम क्या है ना, साइट फॉर स्टोरेज एंड फूड एंड वाटर, ये क्या करता है ना, फूड एंड वाटर को स्टोर करके रखता है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स। वो भी एनिमल क्या होना चाहिए ना, लोअर ऑर्गेनिक होने चाहिए, ठीक है, हायर ऑर्गेनिक में से वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड, प्लास्टिड का काम क्या है ना, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, दे ऑल्सो प्रोवाइड कलर्स टू फ्रूट एंड फ्लावर्स। प्लास्टिड का काम क्या है ना, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, इस प्रोसेस में प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, उनमें से ये प्लास्टिड हेल्प करते हैं। प्लास्टिड में, प्लास्टिड भी थ्री टाइप होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, और बाकी जो दो पार्ट रह गए लिकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, वो क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट का फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, उसको कलर देता है, ठीक है, कलर बनाता है कलरफुल, और लिकोप्लास्ट का रूट में से पाया जाता है, वो फ्रूट स्टोरेज करता है, ठीक है। ये था आपका फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सबको समझ में आया या नहीं बताओ? यस मैम, यस मैम, यस मैम। स्ट्रक्चर जब देखो आपका काम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करो, और जब ये याद रह जाएगा तो उसका एक एक फंक्शन का मोस्टली याद रह जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय।